वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, और ये मेरा उसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बच्चों हमने फिजिकल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडीज करी थी, और आज हम चल रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, यानी वो इक्विलिब्रियम जिसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट लेते हैं और केमिकल रिएक्शंस होती है। ये फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंजेस नहीं होंगे। तो हमारा मेन टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम पहले चेक कर ले कि इस चैप्टर में कौन कौन सी वो केमिकल रिएक्शंस है जो रिवर्सिबल है, जिनमें इक्विलिब्रियम इसकी हम स्टडी करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल के फॉर्म पे यूज आती है। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, डीकंपोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है। तो रिएक्शंस में सिंबल कौन सा लेंगे, रिवर्सिबल का। सेकंड एग्जांपल कौन सी हमारे पास है, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 को गर्म करें तो ये NO2 के दो मॉलिक्यूल में ये डीकंपोज हो जाता है। थर्ड हमारे पास रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, ये है हेबर प्रोसेस, और इस मेथड से किसका प्रिपरेशन होता है, अमोनिया का। जो फोर्थ एग्जांपल बच्चों हमारे पास है वो है हाइड्रोजन और आयोडाइड की रिएक्शन से किसका प्रिपरेशन होना, हाइड्रोजन आयोडाइड के टू मॉलिक्यूल्स का। फिफ्थ जो हमारे पास बच्चों एग्जांपल है वो है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है, ये CaO बनेगा प्लस CO2 गैस, ये गैस है, ये सॉलिड है। ये सारे बाकी जो सारे रिएक्शंस है उनमें जितने भी रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट्स है वो सारे बच्चों गैसियस है, ये सारे गैसियस है। तो ये वो 5 रिएक्शंस है जिसका हम यूज लेने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कहीं ना कहीं एग्जांपल के फॉर्म में। अब चलते हैं बच्चों हम केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ चीजें हम समझते हैं। तो मान लो कोई रिएक्शन है ए और बी, ए और बी रिएक्टेंट है, आपस में ये रिएक्शंस करके सी और डी बनाते हैं, तो ए और बी क्या हुए, रिएक्टेंट हुए हैं। सी और डी क्या है यहां पर, ये प्रोडक्ट है। यदि रिएक्शंस इस तरफ जा रही है तो हम इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, और यदि बैक साइड में आ रही तो इसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। जब टाइम जीरो है, जब टाइम क्या है, जीरो है, उस कंडीशन में ए और बी क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम इनकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। और इस मैक्सिमम कंसंट्रेशन को हम आगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास है। अब क्योंकि टाइम जीरो है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट्स नहीं बने हैं, और जो ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनता है, बैकवर्ड रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उस समय बैकवर्ड रिएक्शंस की जो रेट है वो बहुत कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शंस की रेट ज्यादा है और बैकवर्ड रिएक्शंस की रेट कम है। तो फर्स्ट क्या होगा, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज मोर, देयरफोर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। शॉर्ट में लिख देते हैं रिएक्शन, ये होगा इनिशियल में। इनिशियल कंडीशंस में क्या होगा, आर एफ जो है वो ज्यादा होगा आर बी से, और धीरे धीरे क्या होगा, जो जो प्रोडक्ट बनता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शंस की रेट कम होती जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब रिएक्टेंट कम हो रहा है, और जो जो प्रोडक्ट बनेगा बैकवर्ड रिएक्शंस की रेट बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली
एक वो स्टेज आ जाएगी जिस पर दोनों अपोजिंग प्रोसेस या दोनों रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल हो जाएंगे। दोनों प्रोसेस को फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस। तो लास्ट में हम क्या लिखें, अल्टीमेटली ए स्टेज इज रीच्ड वेयर द रेट ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस को क्या लिख देते हैं, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। और इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और वहां क्या होगा बच्चों, दोनों जो प्रोसेस है उनकी रेट इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे लिख देता हूं, आर फॉरवर्ड रिएक्शंस और ये बैकवर्ड रिएक्शंस। और जब ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगी, तब बच्चों एक और चीज याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कॉन्स्टेंट। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, तब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। अब बच्चों जल्दी से हम दो कर्व चेक कर लेते हैं। मैं जो कर्व आपको बता रहा हूं ये पहले भी आ चुके हैं, लेकिन यहां आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे कर्व होंगे। वहां पर भी पहले वाले वीडियो में आ चुके हैं ये कर्व। ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिंपल सा, जल्दी जल्दी से, ये है रेट ऑफ रिएक्शन और ये है टाइम। यहां कौन है, यहां है प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इनिशियल में जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट बहुत कम होगा, धीरे धीरे इसका रेट बढ़ेगा। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट ज्यादा होगा, धीरे धीरे ये रेट कम होगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन और यहां क्या है, आर एफ आर बी के इक्वल है। ध्यान रखना ये जो लाइन है ये लगभग बीच में आनी चाहिए, इस तरह से नहीं हो सकता। ये इस तरह से यदि है ग्राफ कर्व बना हुआ तो ये कर्व बच्चों गलत है। इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शंस है उसका रेट ज्यादा है, वो ज्यादा नीचे आ रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट कम है। इस तरह से ये कर्व ऊपर जा रहा है। यदि ये कर्व इस तरह से, ये गलत है, यदि ये कर्व इस तरह से बना हुआ है तो भी ये कर्व गलत है। तो ये होनी चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का इक्वल, तभी होगा जब ये लाइन मिडल में होगी, इस लाइन के मिडल में होगी। अब आते हैं इनकी कंसंट्रेशंस में क्या चेंजेस हो रहा है। तो जो रिएक्टेंट है वो इनिशियल में मैक्सिमम है, तो यहां क्या ले रहा हूं बच्चों मैं, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को हम आगे इस तरह से ब्रैकेट के फॉर्म में यूज करेंगे। और यहां क्या है, टाइम है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो जो टाइम स्पेंड होगा, जो जो रिएक्शंस होती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस कम होती जाएगी। और एक ऐसी कंडीशंस आएगी कि जहां रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ये कम हो रही है और ये कॉन्स्टेंट हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। प्रोडक्ट की इनिशियल में जब टाइम जीरो था तब कंसंट्रेशंस भी जीरो थी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी और ये ऐसे हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि ये लाइनें स्ट्रेट हो जानी चाहिए। ये लाइन ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकती है, बस जब कंडीशंस क्या है कि ये लाइन स्ट्रेट हो जानी चाहिए। ये स्ट्रेट हो जाती है इसका मतलब है कि यहाँ क्या स्टेबलाइज हो गया है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। ये बच्चों दोनों हमारे कर्व हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की दो करैक्टर्स है, हम उनको लर्न करते हैं। पहला करैक्टर क्या हमारे पास है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको, ये डायनेमिक है कि नहीं है, और डायनेमिक है तो इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कैसे किया है। तो फर्स्ट हम चलते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक है। इसको मैं बच्चों रिमूव कर रहा हूं। डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये सबसे पहले पता लगाया गया हेबर प्रोसेस से, अमोनिया के प्रिपरेशन से।
तो फर्स्ट हम क्या चलते हैं, डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये फर्स्ट करैक्टर है, डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक का मीनिंग क्या है, डायनेमिक का मीनिंग क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद भी दोनों प्रोसेस, दोनों रिएक्शंस होती रहती है, लेकिन इनकी स्पीड, इनकी रेट एक जैसी होती है, जिसे हमें क्या लगता है कि रिएक्शंस नहीं हो रही है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, आफ्टर स्टेबलाइजिंग इक्विलिब्रियम बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, होते रहते हैं एक साथ, विथ सेम रेट। और इससे हमें क्या लगता है कि मानो रिएक्शंस हो ही नहीं रही है। तो इसको प्रूफ किससे किया हम लोगों ने, इसको किया हेबर प्रोसेस से। हेबर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उससे प्रूफ क्या किया कि ये जो इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये डायनेमिक है। हेबर प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, अमोनिया का प्रिपरेशंस करते हैं। रिएक्शंस क्या होती है, H2K3mol प्लस N2, यहां क्या रखा जाता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये कंडीशंस है। और यहां क्या बनेगा, अमोनिया के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे या दो मोल बन जाएंगे। ये है हेबर प्रोसेस का। अब हेबर ने क्या काम किया, एक कंटेनर लिया, मैं आपको समझा रहा हूं, और ये कंटेनर कैसा है, क्लोज है। यहां पर उन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया 1:3 में, इनके बीच रिएक्शंस हुई और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया और क्या बन गया, अमोनिया, और इनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। सेकंड कंटेनर में हेबर ने क्या लिया, नाइट्रोजन ली प्लस साथ में अब डाइहाइड्रोजन ली, डाई हाइड्रोजन की जगह डाई ड्यूटीरियम लिया है, ये ड्यूटीरियम है। ड्यूटीरियम क्या है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, और हमें मालूम है कि आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, होते हैं, जिससे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ये हाइड्रोजन का सिंबल है 1H1 और ये ड्यूटीरियम का सिंबल, दोनों का मास डिफरेंस यानी दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही हैं। यहां पर भी इक्विलिब्रियम हुआ और यहां पर क्या बना होगा, NH3 की तरह क्या आ जाएगा, NH3 की जगह बन जाएगा ND3, है वो भी अमोनिया, ये भी अमोनिया, लेकिन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। वो ND3 है, वो ये NH3 है। दोनों कंटेनर में क्या स्टेबलाइज होने दिया, इक्विलिब्रियम। अब दोनों में अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने में क्या क्या आ जाएगा, N2 आएगा, D2 होगा, H2 होगा और NH3 और ND3, ये पांच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मिक्सचर उन्होंने मिक्स कर दिया है। अब यदि ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक हुआ है, डायनेमिक है, तो क्या होगा, NH3 के अलावा NDH2 भी बनेगा, NHD2 भी बनेगा, साथ में HD भी बनेगा H2 की जगह पर। ये सारे मॉलिक्यूल बनने चाहिए, ये कैसे बनेंगे, मान लो कि इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक है, तो क्या क्या हो सकता है, ये पहले रिएक्शंस हो रही थी, ये फर्स्ट रिएक्शंस ये है और सेकंड रिएक्शंस ये हो रही होगी ड्यूटीरियम के केस में, ये इस तरह से। अब क्या हो सकता है कि ये जो ND3 है, ये जो N2 है, वो H2 से रिएक्शंस करके अमोनिया बन गया। ये अमोनिया जो है जब वापस चेंज होगा तो ये NH3 में
एन टू और एस थ्री में चेंज हो गया। यदि एन टू ये एक इसका मॉलिक्यूल, एक एन टू का मॉलिक्यूल और एक डी टू का मॉलिक्यूल और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यदि इस तरह से आपस में रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा, एन एच एन एच टू डी बनेगा। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, क्योंकि इसमें क्या हुआ दो नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन के साथ एक डी और दो हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड कंडीशंस क्या होगी, यदि एन टू के साथ दो ड्यूटीरियम के मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेगा तो एन डी टू एच बनेगा। यदि ये दोनों बन रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है ये इस हाइड्रोजन और इस ड्यूटीरियम दोनों के साथ रिएक्शंस कर रही है, और ये तभी होगा जब ये दोनों तरह की रिएक्शंस होती रहेगी और ये सारे प्रोडक्ट बने। और इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये कैसा है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। याद रखना केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक है या नहीं है इसकी स्टडी कैसे करी हमने, हेबर प्रोसेस से करी थी, और ये अमोनिया के प्रिपरेशंस का एक मेथड है। ये तो हुआ बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया इक्विलिब्रियम का या फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम को सेकंड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, क्या है कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम को दोनों डायरेक्शन से स्टेबलाइज करवा सकते हैं। वो क्या है हम चेक करते हैं बच्चों, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। दोनों डायरेक्शंस का मतलब क्या है कि जैसे मैं अमोनिया का ही एग्जांपल ले लूं, यदि मैंने एक कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर लिया और क्या स्टेबलाइज होने दिया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। सेकंड पे मैंने क्या काम किया, जैसे फर्स्ट कंटेनर है, फर्स्ट में हम इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं, लैंग्वेज क्या होगी, ये फर्स्ट इसका क्राइटेरिया था, सेकंड क्या है, सेकंड केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम बोथ साइड। इसका मतलब क्या है, दैट इज From, that is from the direction of reactant as well as direction of product। क्या है ये समझते हैं, फिर मान लो मैं हेबर प्रोसेस का ही एग्जाम्पल लेता हूं। हेबर प्रोसेस की ये इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, और टू अमोनिया के ये मोल बन गए हैं। यहां पर कैटेलिस्ट भी है तो हम उस पर अभी नहीं जाते, कौन है कैटेलिस्ट, यहां पर आयरन है, कौन है प्रमोटर, एमओ है, प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है, टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, ये सारी जो कंडीशन है ये रखें तो ये अमोनिया का प्रिपरेशन ज़्यादा होता है, ये कंडीशंस है। अब मान लो कि हमने पहले इस कंटेनर में N2 लिया और 3 हाइड्रोजन के मोल लिए हैं, सेकंड कंटेनर हम मैं यहाँ ले लेता हूँ, और सेकंड कंटेनर में मैंने क्या ले ली है, अमोनिया ले ली है, यानी फर्स्ट कंटेनर में मैंने ये दो लिए हैं, इस डायरेक्शन से मैं इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करा रहा हूं, सेकंड कंटेनर में मैं इस डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करा रहा हूं, और दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब देखो मैं इनका कर्व बनाता हूं, इस कंटेनर में क्या होगा, ये दोनों कम है, ये दोनों ज्यादा है, ये कम है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में ज्यादा होगी, बैकवर्ड कम होगी, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां इन दोनों की रिएक्शन इक्वल हो जाएगी। सेकंड कंटेनर में अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग समझाऊं तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, फॉरवर्ड की कम होगी, धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कम होती जाएगी, फॉरवर्ड की बढ़ती जाएगी, और यहां पर भी इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी। अब आते हैं इनके ग्राफ पे आते हैं बच्चों, ये इनका ग्राफ है, मैं दोनों का ग्राफ बना रहा हूं, पहले इस कंटेनर का बनाते हैं,
इस कंटेनर में क्या है, यहां है टाइम और यहां है कंसंट्रेशन। अब आए यहां टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो होगा इसके अकॉर्डिंग तब कौन ऐसा है, हमने तो इनको लिया है तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई और यहां अमोनिया ले रखी हमने, तो इस वाले क्राव में, इस वाले कर्व में टाइम जब जीरो होगा तब N2 और H2 की कंसंट्रेशंस मैक्सिमम होगी। और मान लेते हैं कि N2 और H2 में इसका वन मोल है, इसके थ्री मोल है, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशंस ऊपर ले लेते हैं और यहाँ नाइट्रोजन की ले लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और कौन ऐसा है जो अभी बना ही नहीं, अमोनिया, ये जीरो होगा। जो जो रिएक्शंस प्रोसीड होगी क्या होगा, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशंस कम होगी इस तरह से, और यहां जाके ये कांस्टेंट हो गई, हाइड्रोजन की भी कंसंट्रेशंस कम होगी और ये इस तरह से ये कांस्टेंट हो गई है, और ऐसे अमोनिया की कंसंट्रेशंस क्या होगी, बढ़ेगी और ये इस तरह से कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद क्या स्टेबलाइज हो गया है, इक्विलिब्रियम। अब बच्चों ये हम इस वाले कर्व से आते तो इसकी लाइन में यहां से बनाऊंगा बच्चों, ये इस तरह से जाएंगे और यहां पर इसको मैं इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ऐसे। यहां हम अब किसको ले रहे हैं, यहां भी टाइम है, ये हाफ पार्ट अलग है, ये हाफ पार्ट अलग है, यहां से अब हम कहां से जाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहां टाइम जीरो है, तो जब टाइम जीरो होगा तब मैक्सिमम कौन होगा, इस कंटेनर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कौन होगा, अमोनिया, तो अमोनिया की कंसंट्रेशंस यहां ले लेता हूं, ये अमोनिया है। और कौन ऐसे हैं जो जीरो होंगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दोनों कैसे हैं, जीरो है, हाइड्रोजन भी यहां है और नाइट्रोजन भी यहां है। जो जो ये प्रोसेस रिएक्शंस होती जाएगी तो होगा क्या, दो नाइट्रोजन के मोल कम होंगे तो एक नाइट्रोजन का, दो अमोनिया के मोल कम होंगे तो एक नाइट्रोजन का, थ्री हाइड्रोजन के मोल बनेंगे, यानी यहां अमोनिया के कंसंट्रेशंस में क्या होगा, डिक्रीज होगी। ध्यान रखना ये लाइन इससे मैच हो जाएगी, तो ये अमोनिया की कंसंट्रेशंस है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते ये ऐसे हो जाएगी बच्चों, यानी यहां जो अमोनिया की लाइन थी और यहां जो लाइन है, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। ये इस तरह से, और जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन को हमने कम लिया नीचे की तरफ है, तो ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशंस क्या होगी, ऐसे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते ये इस तरह से आ जाएगी, और इसी तरह से हाइड्रोजन क्या क्या बन रहा है, हाइड्रोजन के थ्री मोल बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा इंक्रीज होगी कंपैरिजन टू नाइट्रोजन के, ये लाइनें ऐसी आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये दोनों में क्या बता रहा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। क्या डायग्राम बता रहा है ये हमें, केवल ये बता रहा है कि हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड किसी भी डायरेक्शन से स्टेबलाइज करवा सकते हैं। क्या खत्म हुए, इक्विलिब्रियम के दो बेसिक करैक्टर्स। अब बच्चों आगे चलते हैं, और जो नया टॉपिक आ रहा है वो बिल्कुल आपके लिए नया है, उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए हम उसमें चलते हैं। अब बच्चों मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया, दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वागे ने, इन्होंने ये दिया है, और इसमें इसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, किस पर, लॉ ऑफ मास एक्शंस पर। और इसका ये नाम क्यों है हम ये भी समझेंगे। तो अगला हमारे पास क्या आ रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया, गुल्डबर्ग एंड वागे ने। लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले हम क्या समझते हैं, कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन यहां यूज आने वाली है, मोलेरिटी। और इस कंसंट्रेशन को जब ये कंसंट्रेशन या ये टर्म नहीं आई थी तब इसे कहा जाता था एक्टिव मास। जब तक मोलेरिटी टर्म यूज नहीं लेते थे तब उसे हम क्या कहते थे, एक्टिव मास कहते थे, क्योंकि इस
गोल्डबर्ग एंड वागे ने जो लैंग्वेज यूज ली है उसमें उन्होंने एक्टिव मास का यूज लिया है, मोलरिटी का यूज नहीं लिया है। तो क्या है ये रिएक्शंस, गोल्डबर्ग एंड वागे लो क्या है या लो ऑफ मास एक्शंस क्या हम समझते हैं? मान लो ये कोई रिएक्शंस है ए और बी कोई रिएक्शंस है, तो इसका जो कॉफिशियंट N1 मान लेता हूं, इसका N2, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहां आते हैं ए एंड बी क्या है, रिएक्टेंट है। सी एंड डी क्या है, प्रोडक्ट है। N1 एंड N2 क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है। N1 N2 M1 एंड M2 ये सारे क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है। क्या होते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, मान लो यदि मैं हेबर प्रोसेस वाली रिएक्शंस लिखूं और यहां क्या बना दें 2NH3, तो ये हम जो नंबर्स यूज लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, इन्हीं नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। जैसे नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। हाइड्रोजन का कितना है, 3 है। अमोनिया का कितना है, 2 है। तो ये कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। और क्या कहा गोल्डबर्ग एंड वागे ने, हम उनकी लैंग्वेज को लिखते हैं, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये उनकी लैंग्वेज थी। तो क्या क्या बताया उन्हें, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इसमें भी एक लाइन और है, रिएक्टेंट वोज जिनकी पावर इज इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। अब समझते हैं बच्चों इस लैंग्वेज की लाइन क्या है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू किसके, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, किसका प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये काम की लाइन है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब यदि मैं आऊं यहां पर तो मैं फॉरवर्ड रिएक्शंस की बात करूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसकी जो रेट है वो किसके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस है। तो फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए ए और बी क्या हुए, रिएक्टेंट हुए। ये ए और बी के प्रोडक्ट के यानी इनके मल्टीप्लाई के में उसमें भी क्या लिखना, एक्टिव मास। तो ये है बच्चों, ये जो ब्रैकेट लगाया है ये एक्टिव मास का सिंबल है। ए कौन है, रिएक्टेंट है। बी कौन है, रिएक्टेंट है। और ये इनके बीच का सिंबल कौन सा है, मल्टीपल का है। हम चाहें तो मल्टीपल का सिंबल नहीं लगाएं। ये क्या हो गई, फॉरवर्ड रिएक्शंस की जो रेट है उस पर मैंने क्या अप्लाई किया है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी तरह से दी बैकवर्ड रिएक्शंस होती, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इसे कह देता हूं आर एफ, इसे कह देता हूं आर बी। बैकवर्ड रिएक्शंस का मतलब ये वाली रिएक्शन जो ऐसे हो रही है, और जो बैकवर्ड रिएक्शंस है इस जो इस तरफ से हो रही है उसके लिए सी और डी क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि ये रिएक्शंस ऐसे हो रही है। तो सी और डी उसके लिए क्या हो गए हैं, रिएक्टेंट हो गए हैं। ए और बी उसके लिए क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए हैं। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस में क्या आएगा, सी और ये डी का एक्टिव मास। अब बच्चों इसमें एक चीज बाकी क्या रह गई, वोज पावर इज रे इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट में ए
ए की स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट कौन है N1, तो यहाँ पावर आएगी N1, बी में आएगी N2, सी में कौन है M1 और डी में कौन है M2। ये है बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन की लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने ये दो रिलेशंस लिखे हैं। अब हमें क्या मालूम है कि जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, इसे हम इक्वेशन, चलिए अभी तो क्या एक और काम करते हैं, ये प्रोपोर्शनल हटा देते हैं, यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा के एक KF लगा देते हैं, यहाँ लगा देंगे KB। अब KF KB क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, KB क्या है, रेट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, नाम है इसका रेट कांस्टेंट फोर, कौन सी रिएक्शंस के लिए होगा, बेकवार्ड रिएक्शन। और KF क्या होगा, रेट कांस्टेंट फोर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रेट कांस्टेंट है, ये बच्चों ये दोनों कांस्टेंट है। अब मैं क्या काम करूं, ऊपर से बच्चों रिमूव कर रहा हूं ताकि ये डेरिवेशन हमारी पूरी आ जाए, ये पोर्शंस यहां से, अब हमें क्या मालूम है, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, एट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शंस के इक्वल हो जाएगी। इसे इक्वेशन थर्ड कह दूं, इसे इक्वेशन वन और इसे इक्वेशन टू कह दूं। तो इक्वेशन वन और टू की वैल्यू इक्वेशन थ्री में पुटअप करने पर, यानी फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री क्या हो जाएगा, RF, ये रही RF, तो RF किसके इक्वल है, RF इक्वल है KF, ए की पावर N1, बी की पावर N2 इक्वल्स टू, यहां क्या लिख दूं, KB, सी की पावर M1 और डी की पावर M2। अब बच्चों क्या काम करना है, आपको फॉरवर्ड रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट का रेशियो निकाल लेना है, यानी KF ऊपर रहेगा, यहां से KB नीचे ले आओ और यहां से A और B को उस तरफ लेके चले जाओ, तो क्या होगा, KF अपॉन KB, इसको कहां लेके आ गया, इस तरफ, इसको कहां लेके चला गया, उस तरफ, क्या हो जाएगा, ये सी की पावर M1 डी की पावर M2 डिवाइडेड बाय ए की पावर N1 और बी की पावर N2, और KF और KB को क्या कह दिया गया, KC, सी क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन है, KC इक्वल्स टू क्या हो गया, KF अपॉन KB इक्वल्स टू क्या हो गया, सी की पावर M1 डी की पावर M2 डिवाइडेड बाय ए की पावर N1 बी की पावर N2, और ये जो KC है इसी को क्या कहा जाता है, नया टर्म है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और इस KC को क्या कहते हैं, ये जो KC है इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये काम का पैरामीटर है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन नंबर फोर, इसे मैं कह देता हूं, ये जो इक्वेशन नंबर फोर है इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों ये पोर्शन रिमूव कर देता हूं, ये पूरा वाला, ये डी भी हटा देता हूं, तो क्या है हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्वेशन फोर को क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसे कई बार और क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ये भी कह देते हैं। अब हम क्या लिखने वाले हैं, केसी की डेफिनेशन बच्चों लिखने वाले हैं, तो केसी की डेफिनेशंस क्या होगी, मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, ये पोर्शन,
और इसके बाद हम देखेंगे कैसी लिखते कैसे हैं, किसी भी रिएक्शंस का कैसी लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या लिख दें, कैसी की डेफिनेशन, ये क्या है, ये है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई थी उसके ये प्रोडक्ट हैं और ये उनकी मोलर कंसंट्रेशन है। तो मैं फर्स्ट ऊपर वाले ये जो पोर्शन है इसको मैं डिफाइन करता हूं, ये क्या है M1 और DM2, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इसका मतलब है मोलेरिटी। ये मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल है, इस तरह का ये सिंबल जो है ये मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब ये दो बार प्रोडक्ट आ गया, तो ये प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई है, और किनका मल्टीप्लाई करना है, उस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट वोज पावर इज इक्वल टू स्टाइक्योमेट्री कॉफी, स्टाइक्योमेट्री कॉफिशिएंट। ये तो हो गया ऊपर का टर्म, उसके बाद ये डिवाइड, इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, देयर स्टाइक्योमेट्री कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय अब नीचे क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, ये तो ये क्या है, देखो बच्चों सेम ही है, प्रोडक्ट तो है ही है, यानी मल्टीप्लाई तो है ही उनका, किनका मल्टीप्लाई है, ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, रिएक्शन रिएक्टेंट, वो पावर इज इक्वल टू देयर स्टाइक्योमेट्री कॉफिशिएंट, सेम लाइन आ जाएगी, बस प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट वोज पावर इज इक्वल टू देयर स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये बच्चों किसकी डेफिनेशंस हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज कॉल्ड केसी, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, इसे हम कैसी कह देते हैं। अब ये तो हमारे पास क्या हो गई, के लॉ ऑफ मास एक्शंस हो गया है, प्लस साथ में क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शंस का पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं करेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बच्चों मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूं और हम चेक करते हैं कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस का कैसी कैसे लिखेंगे। तो ये बच्चों ऊपर का पोर्शन मैं रिमूव कर देता हूं, ये पोर्शन, और मैंने जो सबसे पहले जो आपको कुछ इक्वेशंस बताई थी मैं उन्हीं इक्वेशंस को वापस लिखता हूं और उनका क्या लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फर्स्ट मैंने रिएक्शंस यहां लिखी थी N2 वाली, N2 प्लस 3H2 और यहां था 2NH3। बच्चों जब आप केसी की इक्वेशन लिखें तब आप इन फिजिकल स्टेट को जरूर चेक करना, क्योंकि ये काम की है, क्यों कहां है हम मैं आगे आपको बताऊंगा, ये केसी का फॉर्मूला लिखें। तो ये इसके लिए क्या हुए प्रोडक्ट, ये इसके लिए क्या हुए रिएक्टेंट। तो इसका फॉर्मूला कैसे आता है, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और इनकी पावर क्या होगी, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगी। यहाँ प्रोडक्ट एक ही है, एक से ज़्यादा हो तो सारे आएंगे, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो तो सारे आएंगे, बस कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं एक्वस वाले और गैसियस वाले, यहाँ भी आएंगे एक्वस वाले और गैसियस वाले, ये आते हैं, कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं आते, सॉलिड और लिक्विड वाले नहीं आएंगे, सॉलिड और लिक्विड वाले नहीं आएंगे, ये याद रखना। अभी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा और क्यों नहीं आते हैं हम वो भी समझ लेंगे। तो अब जैसे इस इक्वेशंस का मैं क्या लिखूं, केसी का फॉर्मूला,
गैस गैस गैस, यानी ये तीनों कहाँ आएंगे, केसी की इक्वेशन में आएंगे। तो केसी की इक्वेशंस क्या हो जाएगी, यहाँ लिखें प्रोडक्ट अमोनिया पावर टू, यहाँ क्या हो जाएगा एच टू की पावर थ्री और एन टू की पावर वन, यानी ये इक्वेशंस बैलेंस होनी चाहिए तभी आप उसका सही केसी का फॉर्मूला लिख पाओगे। अब ये तो हुआ हमारे पास पहला फॉर्मूला, अब बच्चों लिखता हूँ दूसरा एक और। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है दूसरी, CaCO3 सॉलिड है और ये किस में चेंज हुआ CaO, ये भी सॉलिड है प्लस क्या बना CO2 गैस। इसका जब हम केसी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये जो सॉलिड है और ये जो सॉलिड है ये हमारे केसी के फॉर्मूले में नहीं आएगा। तो केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट में से केवल ये आएगा, रिएक्टेंट में से कुछ नहीं आएगा, तो हमारे पास केवल ये फॉर्मूला होगा। चलूं आगे मैं, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब एक और एग्जांपल, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। मान लो PCl5 होता और डीकम्पोज होता PCl3 और Cl2 में, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, सबका कॉफिशियंट 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है इसके केसी का, केसी इक्वल्स टू ये दोनों क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। तो ध्यान क्या रखना है, PCl3 लिखना है, बीच में प्लस मत लगा देना, बच्चे भूल जाते हैं, और यहाँ आएगा Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। आप चाहें तो यहाँ C भी लगा सकते हैं, और C का मतलब है इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस। अब बच्चों एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो है ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम। यहाँ जो PCl3 है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम। PCl5 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, यानी केसी केवल कब कैलकुलेट होता है, ओनली कैलकुलेट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड, जब इक्विलिब्रियम हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, तभी केसी की वैल्यू कैलकुलेट होती है, उसके पहले केसी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि केसी का नाम ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम होने के बाद इसका मेजरमेंट होगा। ये बच्चों हो गया कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस में हमारे पास इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस हो तो उसका केसी का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखें। अब बच्चों आते हैं हम केसी के करैक्टरिस्टिक्स, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों मैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, चार ही करैक्टर्स है मेन, चार या पांच। तो अगला हमारे पास टॉपिक क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी, अब फर्स्ट हम केसी में, इस सी का मतलब क्या है, इस सी का मतलब है कंसंट्रेशन, और वो भी किस में ली हुई है, मोलेरिटी में। सेकंड, ये केसी कब यूज आता है, व्हेन इक्विलिब्रियम अटेंड इन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम हुआ हो तब हम केसी का यूज लेते हैं। अब आते हैं इनके करैक्टर्स, नंबर फर्स्ट करैक्टर्स क्या है, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, किसी एक रिएक्शंस के लिए केसी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ये केवल एक चीज पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट। इसी में लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ केसी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर,
टेम्परेचर चेंज करने पर केसी चेंज हो जाता है इट। अब अगला फर्स्ट याद रखना, केसी की वैल्यू केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शंस का केसी कभी चेंज नहीं होगा। सेकंड हमारे पास क्या है इसी में, सेकंड द वैल्यू ऑफ केसी डज नॉट या डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर ए इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करती। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो कि हमने इस तरह से कोई रिएक्शंस हो रही है N2 plus 3H2 आपस में रिएक्शंस करके अमोनिया का प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है। आपने इनिशियल इसको कितना लिया, 1 mole per liter L लिख देता हूँ। ये कितना लिया था आपने, 3 mole per liter और उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ, उसके बाद इनमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन कम होके प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। ये पहली कंडीशन। आपने अब क्या काम किया, इनिशियल कंसंट्रेशंस को 1 mole नहीं लेके 3 mole ले लिया, 3 mole per liter, इसको ले लिया 5 mole per liter। आपने इनिशियल कंसंट्रेशंस को चेंज कर दिया है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में केसी कैसा आएगा, सेम आएगा। यानी केसी जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड हमारे पास क्या है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता, इसी में लिखता हूं, डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम अटेंड। डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता। आपने मान लो N2 और H2 को लेके इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज किया। यदि मैं यहां अमोनिया को ले लूं और ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कराऊं ऐसे, तो इस कंडीशन में जो केसी आएगा वो भी सेम आएगा। केसी कैसा आएगा, सेम आएगा। यानी केसी चेंज नहीं होता डायरेक्शंस चेंज करने के पर। तो ये केसी लगभग कैसे आएंगे, सेम आएंगे। आप चाहे तो यहां से स्टेबलाइज कराओ, चाहे यहां से स्टेबलाइज कराओ, दोनों कंडीशन में केसी की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। बस थोड़ा सा गड़बड़ मैंने यहां क्या कर दिया है कि यदि आप डायरेक्शंस चेंज कर देते हो तो आपको इक्वेशंस तो ऐसे ही लिखनी है, इक्वेशंस चेंज नहीं होगी। डायरेक्शंस आपने यहां से स्टेबलाइज कराया तो इसको इस तरफ लिखना है। तो आप किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कराओ, केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेकंड थर्ड जो हमारे पास है वो बच्चों बड़े काम की है। क्या है, इफ द रिएक्शंस को उल्टा कर लिया जाए तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ केसी इज इनवर्स्ड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्या है, रिवर्स का मतलब क्या, इनवर्स का मतलब क्या, तो एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। मान लो ये रिएक्शंस है H2 और I2 की ले लेता हूं, ये रिएक्शंस हो रही थी और यहां क्या बन रहा था, 2HI। इस रिएक्शंस का केसी का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा HI की पावर 2 और यहां होगा H2 और I2। ये मान लो इक्वेशन 1 है। यहां हमारे पास जो भी केसी आया, मान लो इस केसी की वैल्यू कितनी आई है, 10 मान लेता हूं, यूनिट उसकी बाद में हम लोग चेक करेंगे। अब यदि मैं इसी रिएक्शंस को रिवर्स कर दूं, रिवर्स का करने का मतलब ये पहले लिख दूं और यहां H2 और I2 बाद में लिख दूं, तो इस रिएक्शंस का केसी क्या होगा, इस रिएक्शंस के केसी को मैं क्या मान लेता हूं, केसी डैश। और इसकी इक्वेशंस क्या होगी, इसकी इक्वेशंस होगी, ये प्रोडक्ट है ये ऊपर आएंगे अब H2 और I2 और ये कहां आएगा, डिवाइडेड बाय HI की पावर क्या आएगी, 2 आएगी। ये हमारे पास नया केसी आया। यदि मैं इस नए केसी को
वन अपॉन केसी डेज के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा आप, एच आई की पावर टू और यहां एच टू और यहां आई टू, क्योंकि इस केसी डेज को मैंने क्या करके लिख दिया, वन अपॉन केसी डेज, तो ये ऊपर हो जाएंगे और ये नीचे हो जाएंगे। अब यदि इस इक्वेशन थ्री को, ये टू वन और थ्री को दिया आप कंपेयर करोगे, वन और थ्री को कंपेयर करोगे तो ये सेम है बच्चों, ये सेम आ रहा। इसका मतलब मैं इक्वेशंस वन और थ्री से, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन केसी डिश इक्वल्स टू केसी, या क्या लिख सकता हूं, केसी डिश इक्वल्स टू वन अपॉन केसी। क्या लैंग्वेज लिखी थी हमने कि यदि रिएक्शंस को रिवर्स कर दिया जाए, रिएक्शंस को रिवर्स कर दिया जाए तो जो नया केसी आएगा वो इनवर्स होगा, वो वन अपॉन केसी हो जाएगा। जो नया केसी आएगा वो पुराने वाले केसी का वन बाई टेन हो जाएगा। तो मैंने यहां लिखा था कि इस रिएक्शन का केसी कितना माना मैंने, टेन। तो जो नई इक्वेशंस आएगी इसका, इसका जो केसी डिश है वो हो जाएगा वन अपॉन टेन। तो रिएक्शंस को रिवर्स करके लिखने पर जो नया केसी आता है वो पुराने वाले केसी का इनवर्स्ड हो जाएगा। ये बच्चों है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब बच्चों आ रही है फोर्थ प्रॉपर्टी, वो भी काम की है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारे लिए बहुत काम की है और ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं इसके। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या काम किया है इन्होंने, उस पूरी इक्वेशन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करते ही केसी चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो क्या है हमारे पास, इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर एन, एन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, द न्यू केसी डेज लिख देता हूं इज इक्वल टू, इक्वल टू केसी की पावर वन अपॉन एन। ये केसी कौन सा है, ये पुराना वाला है। ये केसी कौन सा है, नया वाला है। तो जो नया केसी आएगा वो उस पुराने वाले केसी में क्या रिलेशंस होगा, इस तरह का रिलेशंस होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल फिर हम H2 का ले लें, H2 प्लस I2 क्या बनेगा, 2HI। मान लो इसका जो केसी है, मान नहीं ले, हम जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, इसका यहां आएगा HI की पावर 2, यहां आएगा H2 और यहां आएगा I2। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन और मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू पहले जैसी 10 है। अब मैंने क्या काम किया, इस पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 इस पूरी इक्वेशंस को। तो यहां क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस 2I2 इक्विलिब्रियम का सिंबल 4HI। अब इसका केसी का फॉर्मूला, इसको मैं नया केसी डेश कह देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा HI की पावर 4 डिवाइडेड बाय H2 की पावर 2 और I2 की पावर 2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया है। अब मैं क्या काम करूं, यदि इस पुराने वाले केसी को का मैं स्क्वायर ले लूं, इस पुराने वाले केसी को मैं स्क्वायर कर दूं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं इसको क्या काम करूं, 2 का इसका स्क्वायर कर देता हूं। तो जो ही यहां 2 का स्क्वायर करूंगा इस पुराने वाले केसी का, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये जो पुराना वाला केसी था इसका स्क्वायर कर देता तो क्या होगा, एच आई की पावर क्या हो जाएगी, 4। एच टू भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। आई टू की पावर भी क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, जितना था उसका डबल हो जाएगा क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कर दिया है। और जो ही हमने स्क्वायर किया है ये वैल्यू डबल हो गई है और अब ये इसके इक्वल हो गई है। इसका मतलब क्या रिलेशंस आया कि जो नया केसी है वो पुराने वाले केसी की पावर के एन के इक्वल होगा। यहाँ चेंजेस करें बच्चों, वन अपॉन एन के नहीं, एन के इक्वल होगा। जिस इंटीजर्स को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, उस जिस इंटीजर से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है उस इंटीजर को पुराने वाले केसी के
पावर के फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नया केसी आ जाएगा। तो जो नया केसी आएगा वो क्या होगा, पुराने वाले केसी की एन जिस इंटीजर से आपने मल्टीप्लाई किया उसकी पावर वहां आप लगा दें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये दोनों आपको जो कंसेप्ट है थर्ड और फोर्थ ये बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। अब जैसे मान लो कि यहां 10 था, फर्स्ट वाले में क्या था 10 था, तो जो नया केसी आएगा केसी डेस वो क्या होगा 10 की पावर 2 यानी क्या वैल्यू आएगी उसकी 100। यहां 2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था। यदि मैं यहां 1/2 से मल्टीप्लाई करता, मान लो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता, इस इक्वेशंस को 1/2 से मल्टीप्लाई करता तो यहां 1/2 यहां 1/2 यहां 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाता, ये आता ही। अब जो नया केसी आएगा केसी डेस वो पुराने वाले केसी की पावर 1/n के इक्वल होगा 1/2 के, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, हाफ से किया है। तो इस तरह से बच्चों ये केसी चेंज हो जाता है यदि हम रिएक्शंस को रिवर्स कर दें या हम किसी इंटीजर से पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें। और लास्ट बच्चों आज का लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इसको बच्चों रिमूव कर रहा हूं, आज का लास्ट टॉपिक है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है और उस दोनों स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा। तो लास्ट बच्चों हमारे पास टॉपिक क्या है, लास्ट है बच्चों ये फिफ्थ नंबर, इफ ए रिएक्शन कंप्लीट इन, इस ऊपर वाले को बच्चों रिमूव कर देता हूं ये वाला पोर्शन, इफ ए रिएक्शन कंप्लीट इन टू स्टेप्स वॉज K1 एंड K2 आर स्टेप्स एंड K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन K=K1+K2, ये रिलेशंस है बच्चों। अब ये K1 K2 क्या है हम बच्चों हम यहां समझते हैं, मान लो कि ये रिएक्शंस थी N2+O2 2O2, क्या बन रहा था 2NO2, ये मान लो एक रिएक्शंस है और ये रिएक्शंस दो स्टेप में होती है। तो पहले मैं इस ओवरऑल रिएक्शंस का क्या लिख दूं, इस रिएक्शंस का क्या लिख दूं, मैं केसी लिख देता हूं। तो इस रिएक्शंस का केसी क्या होगा, NO2 की पावर क्या आएगी, यहां पर NO2 की पावर आएगी 2 डिवाइडेड बाय N2, यहां आएगा N2 और यहां आएगा O2 की पावर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। ये तो इस रिएक्शंस का हुआ, लेकिन ये रिएक्शंस जो है ये दो स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट N2+O2 क्या बनेगा, ये रिवर्सिबल है, यहां बन गया 2NO, यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, फिर ये इस 2NO ने फिर रिएक्शंस करी O2 के दूसरे मॉलिक्यूल से और क्या बन गया 2NO2, इसका कांस्टेंट क्या है K2 है। तो मैं K1 की वैल्यू लिखूं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कौन है यहां पर प्रोडक्ट, NO की पावर 2 और रिएक्टेंट कौन है N2+O2, और इसका क्या लिखूं मैं K2, K2 में कौन आएगा NO2 की पावर 2 अपॉन यहां कौन आएगा 2NO की पावर 2 और O2, ये आएगा बच्चों हमारे पास K2। अब यदि मैं इस K1 को और K2 को मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को, तो यहां मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, कहां चला गया, यहां मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट ये लिखता हूं NO2 NO की पावर 2 ये वाला स्टेप और यहां N2 और यहां O2, फिर ये मल्टीप्लाई करके इसको मैं यहां ले, यानी क्या कर रहा हूं मैं K1 मल्टीप्लाई बाय K2 कर रहा हूं, इसको मैं यहां लिखता हूं तो यहां ऊपर कौन है NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय NO की पावर 2 और यहां है O2,
अब देखो बच्चों क्या क्या चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ NO की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ NO की पावर 2 से ये NO की पावर 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर कौन बचा है? NO2। यहाँ कौन है? N2। यहाँ कौन है? O2। तो N2 एक बचा, O2 इधर भी, O2 इधर भी। तो इसको मैं सोल्व करने पर क्या लिख सकता हूँ? NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 और O2 की पावर 2, ये वाला। ये O2 एक इधर है, एक इधर है, तो O2 की पावर क्या हो गई? 2। और ये जो फॉर्मूला आया है ये इस फॉर्मूले के इक्वल है। यदि मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो यहाँ NO2 की पावर 2, NO2 की पावर 2, N2, N2, O2, O2 और ये दोनों फॉर्मूले सेम है। इसका मतलब K1 और K2 का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल हो गया? वो इस KC के इक्वल हो गया है। ये तो रिलेशंस था हमारे पास, जो K है वो किसके इक्वल है? K1 और K2 के। और K1 और K2 क्या है? इन दोनों स्टेट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों। और इसी के साथ बच्चों एक और है जो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है? KC और KP। तो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा अगले वीडियो में, KP। और KP कब यूज लेते हैं और KC कब यूज लेते हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे बहुत सारी केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।